हर माता पिता का सपना होता है उसका बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा बने और पैसे, नाम तथा शोहरत कमाए। लेकिन अगर माता पिता के साथ बच्चे की जिंदगी भी कूड़े के ढेर में ही बीत जाए तो फिर सारे सपनों पर पानी फिर जाता है। मध्य प्रदेश के रीवा में एक निराला नगर है जिसका नाम तो बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ की मलिन बस्तियाँ उसके नाम पर गंदगी का ग्रहण लगा देती हैं। निराला नगर के वार्ड 9 में तकरीबन 100 घरों में 1000 ऐसे लोग रहते हैं जहाँ उनकी जिंदगी कचरे में तो बीतती ही है, साथ ही उनके घरों में पैदा होने वाले मासूमों को भी आंख खोलते ही गंदगी ही नजर आती है। ऐसी ही जिंदगी जी रहे तकरीबन 50 बच्चों के जीवन में उस वक्त उजाला हुआ जब ब्रह्मा कुमारीज के लोगों की नजर उन पर पड़ी। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के युवा प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे प्रोजेक्ट दिव्य नगरी के तहत बच्चों के भविष्य को निखारने तथा उन्हें बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया गया। इसके तहत बच्चों को प्रतिदिन स्वच्छता, साक्षरता, संस्कार तथा नाखून काटना, बाल काटना, ब्रश करना, सुबह सुबह स्नान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान रीवा की प्रभारी बीके निर्मला और वरिष्ठ राजो प्रशिक्षक बीके प्रकाश द्वारा इसकी पहल की गई। फिर क्या था, बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगा और उसका असर उनके माता पिता पर भी पड़ने लगा। रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष और बच्चों की देखरेख करने वाले हाजी अब्दुल कलीम बताते हैं कि जब से ब्रह्मा कुमारीज ने यह कदम उठाया है तब से बच्चों के साथ उनके माता पिता का पूरा जीवन बदलाव के राह पर चल पड़ा है। ब्रह्मा कुमारी आश्रम ने ये जो स्लम एरिया है, इनके बच्चे जो बहुत गंदे रहते थे, कुछ लोग गुटखा खाते थे, पान खाते थे, सिगरेट पीते थे, उन्होंने आज से 4 साल पहले ये इसको गोद लिया इस स्लम एरिया को, और मुझको बताते हैं बहुत खुशी हो रही है कि ये असंभव कार्य था जिसको ब्रह्मा कुमारी आश्रम की आदरणीय बहन जी और प्रकाश भाई ने बिल्कुल ये सिद्ध कर दिया कि कोई भी काम असंभव नहीं होता है। और सेवा करते हुए हमने ये पाया कि उन बच्चों में इतना जल्दी परिवर्तन हुआ क्योंकि उन्हें प्यार से इस प्रकार कोई अपना समझता ही नहीं है, अपनेपन से सेवा करता ही नहीं है। तो वो चीज़ उनमें देखी कि जो भी हम उनको पढ़ाते थे, सिखाते थे, कैसे ध्यान में बैठना है, कैसे शिव बाबा को याद करना है, वो सब कुछ धीरे धीरे उनमें परिवर्तन होता है। दिव्य नगरी के बच्चों की सेवा करने से बड़ा ही सुकून मिलता है और अपना समय भी लगता है कि हमारा सेवा कार्यों में समाज की भलाई में लगा हुआ है। इस कार्य की पहल 2017 में की गई और फिर पिछले 6 सालों में बहुत कुछ बदल गया। बच्चों के साथ उनके माता पिता के जीवन में बदलाव आने लगा और अब कचरे की बजाय सफाई ने जगह ले ली। जो बच्चे कल गंदगी के ढेर में खेलते थे उनका जीवन अब साफ और सुंदर हो रहा है। प्रेरणादायी बातें, स्वच्छता और साक्षरता के प्रति सजगता उनकी पहचान बन गई है। बड़ों का आदर करना, सुबह जल्दी उठना, ब्रश करना, नहाना आदि उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। यही नहीं, इन बच्चों में बुरे संस्कारों के प्रति भी सजगता प्रमुखता से दिख जाती है। जब भी इन बच्चों से बात की जाती है तो फलक से बोल उठते हैं कि जो काम बड़े ना कर सके वो छोटे कर दिखलाएंगे। मत देखो नन्ही सी काया, हिम्मत है बड़ी सुझाओ, अब आकाश बदल देंगे, वो भी जय का दिशाओ। इस तरह की प्रतिदिन वंदना, योग, ध्यान से कचरे के ढेर में भी नन्हे फूलों की खुशबू महक रही है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साथ प्रशासन और कई सामाजिक संस्थाएं आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा निभा रही हैं। इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के साथ देखते रहिए मधुबन न्यूज़।